तो काफी दिनों बाद कुछ अच्छा फील हो रहा है। सुमन भैया की छुट्टी भी खत्म होने वाली है और हमारे इसमें मतलब जो साथ में वेकेशन पे गया था उसकी भी छुट्टी खत्म हो गई, और ये भाई साहब काम पे गए हैं, ये भी भाई साहब काम पे गए हैं, और तुम्हारा भाई अकेले बतिया रहा है यहाँ पर। तो देख रहे हो बस पैंट वगैरह पहन रखी है और बस शूज पहनना है। देखो मेरा 1 KD वाला जूता, एक्चुअली 1 KD का नहीं है, 2 KD एंड रूबा का है, मतलब 500 रुपए का जूता, नल्ला जूता जो अपने इंडिया में है ना 100 रुपए का मिल जाएगा। देख रहे हो यहाँ पे ऐसा लूट मचा है कि पूछो मत। तो लोग यहाँ पे है ना पानी की बोतल खरीद के पीते हैं, मैंने किसी को भी नहीं देखा जाओ भर के लेके आओ। पहले क्या होता था, अकोमोडेशन के नीचे मिलता है पानी, भर के लेके आने का फिल्टर लगा हुआ है, बट सीन कुछ ऐसा है कि पता नहीं उसका फिल्टर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, वी आर नॉट श्योर्ड। तो इसकी वजह से ना भाई हम लोग खरीद के ही पीते, अगर खरीद के नहीं पियेंगे ना तो स्टोन हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा किडनी में, फिर लग जाएगी लंका, जितना कमाया नहीं उतना भर देना पड़ेगा दवाई पर खर्चे में। तो अभी फिलहाल तो मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ, जो लोग बोल रहे थे ना मुझे, खासकर एक लड़की का मतलब कमेंट आया था, मैडम सिस्टर का, मेरी सिस्टर नहीं मतलब ऐसा सिस्टर बोल रहा हूँ, उनको कमेंट आया था कि यार हम तो वेजिटेरियन ठहरे और हम वेजिटेरियन, ऐसा वेजिटेरियन क्या हमारे लिए ऑप्शन है, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्या हमारे लिए ठीक रहेगा। तो फिर मैं आपको बता दूं यार, मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं ना हफ्ते में 1-2 बार ही चिकन का सेवन करता हूँ, घर पे बनाता हूँ मतलब, और उधर पे तो चिकन बर्गर और सब मिलता ही है, मगर घर पर एक हफ्ते में 1-2 बार ही सेवन करता हूँ। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वेजिटेरियन के लिए क्या ऑप्शन है। तो आप वेजिटेरियन हो तो देखो, ये भाई मैंने मिक्स दाल पूरी भर के रखी हुई है, पता है क्या है, ये मेरे लिए मिक्स दाल है और ये मेरा आटा है, अभी जस्ट रोटी बनाया मैंने, खाया पैक करके, अभी खत्म भी हो गया, देखो लाना पड़ेगा लग रहा है। ये मेरा आटा है और ये मेरी दाल है और ये मेरा, भाई जिसको भी काजू बादाम चाहिए तो आके ले सकता है मेरे पास से, ये मेरा काजू बादाम है। सुबह भूख लगी या फिर ऐसा लगा मेरे पास में कुछ नहीं खाने के लिए, तो मेरे पास में ये ऑप्शन है कि मैं करके रखता हूँ। और ये देखो, ये साइड में मेरा राइस है और ये है ऑनियन एंड चिली, ये सब रखा हुआ है इसके अंदर। और आपको बता दूं कि यार वेजिटेरियन मतलब ऐसा नहीं है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं। चलो एक आध ऑप्शन में और दिखा देता हूँ मेरे पास में क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। मैं अभी फ्रिज खोलता हूँ, मतलब फ्रिज खोलता हूँ, ये रहा मेरा फ्रिज। तो ये देख रहे हो, ये पूरा मिक्स वेज का पैकेट है, ये पूरा, ये 3 पैकेट है अभी, वो मेरा है। और यहाँ पे लोगों का चिकन, बीफ, मटन जो भी रखा हुआ है, ये चिकन सॉसेज ये भी मेरा है। तो मगर मैं ऐसा फ्रोजन पैकेट ला के रखता हूँ जो कि मेरे को सर्वाइव करने में मदद करता है। और मेरे पास में देखो, आज तुम्हारा भाई रोटी बना है, ये मेरा डब्बा है, कल तो भूल गया था, दिखाता हूँ। देखो ये है मेरा रोटी, चावल और राजमा की सब्जी, राजमा की सब्जी, रोटी, चावल। तो मैंने पैक कर लिया है फटाफट से। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, कि आप कैसे सरवाइव करोगे, आप कैसे मतलब अपने आप को, मतलब अगर रेस्टोरेंट में मेरे समझ लो मेरी कंपनी में आ रहे हो तो वहाँ पे 2 बर्गर है, एक वीगन प्लान बेस्ड है और एक है बिन बर्गर, तो राजमा से बना हुआ होता है वो भी, तो आप वो खा के सर्वाइव कर सकते हो कभी कता। हाँ क्या डेली बर्गर गुड नहीं है, मैं भी बहुत रेयरली केस में खाता हूँ, बट जी हाँ आजकल तो खा ही ले रहा हूँ, क्या सीन हो जा रहा है, खाना नहीं बना पा रहा था, कल तो टिफिन ही भूल गया था, बट हाँ ओके वेज का ऑप्शन है। और आप रेस्टोरेंट में अगर होटल से किसी को मंगाना है, अगर आप कम्प्लीटली प्योर वेज है तो आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे चिकन भी उधरी बनता है, मटन भी उधरी बनता है, बीफ भी उधरी बनता है और वेज भी उधरी बनता है। कढ़ाई अलग होती है मगर चूल्हा सब एक ही होता है, यानी कि वेज के लिए अलग चूल्हा, वेज के लिए अलग ऑयल, ये सब नहीं है। सीन ऐसा हो जाता है, एक बार मेरे फ्रेंड ने ना समोसा लेके आया था यार, और वो समोसे में ना मच्छी का स्मेल आ रहा था, मुझे लग रहा है कि यार उसी तेल में फ्राइड करके, मैंने आधा खाया आधा फेंका, बिकॉज अच्छा नहीं लग रहा था। बट हाँ मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए ऑप्शन है वेजिटेरियन का, मतलब लॉन्ग टाइम तक आप टिक सकते हो, आप अपने घर पे लेके आओ, कुक करो, तेल वेल सब कुछ, मैंने जैसा मैंने पूरा गृहस्थी बसा लिया है यार, आपको फील नहीं होगा, सच में बता रहा हूँ, मैंने पूरा गृहस्थी बसा लिया है, खाली फैमिली नहीं है मेरे पास में, अगर फैमिली होती तो क्या ही बात होती, फिर अच्छा खाते पैसे और मन धन से काम करते और भी, मगर कोई नहीं, बोलते ना फैमिली जब तक नहीं होगी तब तक मैं आगे भी नहीं बढ़ पाऊंगा, सो आई वॉन्ट टू स्टे विथ माई फैमिली ऑल्सो, तो उनका साथ, उनका सपोर्ट, उनका आशीर्वाद रहे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया की बात रहेगी। तो बस आपको समझ गया, देखो मार्केट में जाओगे आपको आलू गोभी मटर सब कुछ मिलेगा, यहाँ तक फ्रोजन का ऑप्शन भी है, फ्रोजन ले आके आप है ना फ्रिज में रख सकते हो, जैसे मैं रखा, जैसे मैंने आपको दिखाया,
फिर उसके बाद में आप वेजिटेरियन हो, सोयाबीन मिल जाएगा, दाल मिल जाएगा, मस्त है यार। और होटल में भी वेज का ऑप्शन है, ऐसा नहीं कुछ होटल में जो है कि कुछ होटल में नहीं है, कुछ होटल में है, कुछ होटल में जहाँ पे है वेज का ऑप्शन वो लोग ना दाल तड़का अच्छा देते हैं और साथ में पाकिस्तानी रोटी, वाह मजा आ जाता है। तो आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड दैट कि आप बना सकते हो, आप सर्वाइव कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। हाँ आपको है ना काम करना पड़ेगा मगर, हाँ क्या बीफ को बीफ की पैटी उठा के बर्न बनाना, बर्गर बनाना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हो, आपको बीफ और मटन चिकन को छूना ही पड़ेगा क्योंकि क्योंकि आपका वही रेस्टोरेंट लाइन में अगर काम कर रहे हो तो वो करना ही पड़ेगा। अगर आउट ऑफ द रेस्टोरेंट लाइन में काम कर रहे हो या फिर कोई और जॉब कर रहे हो तो उसके बारे में आइडिया नहीं है, समझ लो ऑफिस लाइन में हो तो ऑफिस का काम करना पड़ेगा, बैंकिंग में बैंक का काम करना पड़ेगा, वहाँ पे चिकन मटन की कोई बात ही नहीं होती। बस आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अभी फिलहाल वीडियो को खत्म करने से पहले हम जाएंगे बस में, बस में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं है। आज एक लड़का नया आने वाला है यार, अब अली आ गया यार, अली तीन मतलब उसके 35 दिन की छुट्टी ऐसे ही खत्म हो गई कि पूछो मत, 3 साल के बाद गया था भाई छुट्टी पे। तो मिलते हैं अली से, चलो बाय। माशाल्लाह, हाउ आर यू अली? भाई आ गया, हाउ इज वेकेशन? गुड, हां वेरी फास्ट फास्ट, सुरा सुरा गो आम मु आईवा आईवा। सो भाई अली काम मतलब देख रो, 35 दिन की छुट्टी मिली थी भाई को और ये 35 दिन के पहले ही आ गया, इतना जल्दी आ गया पता भी नहीं चला। माशाल्लाह, आईफोन 13 ले रखा है, आईफोन 14 लेने वाला है। अरे भाई 35 दिन भाई खत्म हो गए, देख रहे हो भाई साहब वेकेशन से आ गए क्या यार। वेलकम बैक अली। अब वेलकम बैक अली, अली विल टेक बिग बिग ऑर्डर, बिग बिग ऑर्डर। तो नाइस टू मीट यू मैन अगेन, नाइस टू मीट यू भी। चलो बाय बाय, मिलते हैं, हमारी बस का टाइम हो रखा है, हम जा रहे हैं काम पर, बाय बाय। सो टुडे यू कमिंग और नो? कम टुमारो टुडे, टुमारो इंशाल्लाह, आईवा टुमारो इंशाल्लाह, अभी श्योर नहीं है, देखते हैं भाई। जल्दी आ गया भाई, समझ रहे हो, बाकी सब बढ़िया है, मिलते हैं आपको बाद। इतना जल्दी बीत रहा है समय। अली आंसर सेम सेम, दोनों भाई मिल गए, अब दबा के बातें करेंगे इसी दोनों भाई। हमारे साथ में भाई भी है और धनु भी आ गया। धनु खुला ना, तुम रुक 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 रुक, देखा मगर फिर भी गया था, अब ये ठोक के निकलता, मेरा वीडियो चालू था, लाइव लाइव टेलीकास्ट हो जाता, वीडियो वायरल हो जाता। अरे भाई क्या कर रहा है? नहीं वायरल होगा चलेगा, वैसे कौन सा यूट्यूब मेरे को कमा के दे रहा अभी। अजी वाह भाई, हो किधर तुम, क्या हाल चाल यार, सब बढ़िया है? अल्हम्दुलिल्लाह रॉकस्टार। ये हनी सिंह स्माइल पे आ रही है भाई की। एक्चुअली गल्फ कंट्री है ना, पूरा मसरी लोग का गांव है, यहाँ पे तुमको मसरी 100% लाजिम मिलेंगे एंड बोंगोली भाई यहाँ पे वो लोग भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, खास करके बांग्लादेश से, और कौन मिलेंगे, इंडियन भी मिलेंगे यार, और फिलिपिनो तो समझ लो उनका ससुराल है, किसी के साथ में भी कहीं पे भी ड्राइविंग। भाई ऑफ था, मेरे को पता नहीं था, मतलब कोई और लेडीज मैनेजर होगी रात में। चलो ठीक है यार, ड्रेस सर सईद का ऑफ है यार, मेरे को पता नहीं था। चलो ठीक है कोई बात नहीं, छावा दिख रहा है बस क्या। चलो मिलता है आपको बाद में। देख भाई ये देखो, अभी लोगों की पब्लिक ही पब्लिक है, पब्लिक ही पाजी भी है, इतने सारे लोग है, इतने सारे लोग है, ये सब है ना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में, वो सब में काम करते हैं। भाई तुम्हारे भाई ने रोटी चावल और राजमा की सब्जी बनाया था, तो रोटी चावल राजमा की सब्जी बनाया था, ये मेरा जूस है,
तो अभी मैं जा रहा हूँ लंच के लिए, बहुत तगड़ा भूख लगी है। तो कल तो गलती कर लिया था, मगर वो गलती वापस नहीं दोहराया। मैं अपना सामान पैक किया और अच्छे से रखा और ले गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ्राइज थोड़ा सा लिया अभी खा लूँ। तो मैं खाता हूँ, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। भूख लगी कसम से, उधार गंदा वाला। खाना खा लिया, खलास कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। देख रहे हो, पूरा मचा दिया, एक भी नहीं छोड़ा। माँ की पूरा कंपनी का पैसा वसूला। तो अपना भी खाना हो गया और भाई का भी खाना हो गया है। तो ये जा रहा है अभी अपना काम करेगा और मैं जा रहा हूँ अपना काम करूंगा। मेरे को थोड़ा टाइम बाकी है, अब मिलेंगे आपको बाद में। बाय। तो भाई अपना ब्रेक तो हो गया खत्म। कुछ लोगों को लगता होगा यार कुवैत वाली लाइफ बढ़िया है, मस्त है, चमचमाती है। भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है यार, बहुत सारी मेहनत लग जाती है। बहुत जो अपना इंडिया वाला रूटीन होता है, उस रूटीन से, उस कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी किया है और तब जाके ये जो लाइफ मैं जी रहा हूँ ना, तब जाके मुझे मिली है भाई साहब, कसम से बता रहा हूँ। एंड ये अभी आप लोग मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, मेरे को दिल से और बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी लाइफ में स्ट्रगल करो, धक्के खाओ, बाकी यार आपके साथ में ऐसे ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना, तब जाके आप उभरोगे। तो बोलते हैं ना, जितना जितना सोने को पिघलाओगे उतना जाकर आप चमकोगे। तो मेरे साथ में भी यही सीन हुआ है यार। मैं YouTube पे वीडियो डालता हूँ कुछ नहीं, पहले इतना फर्क पड़ता था, इतना हर्ट होता था। नोबडी इज वॉचिंग टू मी, क्यों देखेंगे, क्यों कम कीमती वक्त मेरा, मतलब मेरे को देख के अपना ख़राब करेंगे। सो ये समझ में आने लगा कि मैं कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं इम्प्रूव नहीं दे रहा था, तो इसलिए कोई नहीं देख रहा था। और जब से मैंने अपने वीडियो में वैल्यू एडिट करना स्टार्ट किया है भाई, ये वीडियो यहाँ से यहाँ हो रही है। कहाँ पहले 50, 10, 20, 60 इतना ही, अब जाके 30 भी, मतलब अब जाके 100, 200, 150, 300 तक भी आ जा रही है। यही अभी तक बहुत बड़ी बात है। सडनली मैं अपने चैनल के लास्ट वीडियो पर देख रहा था कि सबसे हाईएस्ट व्यूज किस में मिला है, तो मैंने एक डिलीवरी बॉय के ऊपर बना रखी थी, उसके अंदर बहुत सारा वैल्यू डाला था। तो भाई साहब वो 17,500 के आसपास मेरे को है ना व्यूज मिला है। आई एम सो हैप्पी कि सोचा नहीं था कहाँ 14-20 वाला व्यूज और 17,500 व्यूज मिला है, बहुत बड़ी बात है। आई एम सो खुश, सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। ऐसा प्यार सपोर्ट देते रहो यार, क्योंकि बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत लाइफ में, मतलब बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर अब इसको कंप्लीट हटाना है, अब अच्छी लाइफ जीना है। और ये सब होगा पैसे से, और पैसा कैसे आएगा, मैं तो काम तो कर ही रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब भी अच्छे से मोनिटाइज हो जाए और मैं भी कुछ अपने, मतलब आप लोगों की वजह से कुछ पा सकूं, कमा सकूं और अपना फैमिली वाला गुजारा अच्छे से कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच यार, जो बोलना था, मेरी दिल की बात थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। अब आपके ऊपर है, आप कैसा लोगे। और बस बढ़िया यार, आप भी मोटिवेट रहो, कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाओ कि साला दुनिया करना चाहे आपके ऐसा। अब मैं वीडियो को समअप करूंगा, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और थोड़ा बहुत वैल्यू देने की कोशिश किया रहूंगा। वीडियो बस यही है आज का वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय। Yes.